बिहार के खिलाड़ी माड़ पी रहे हैं और अधिकारी दूध पी रहे हैं, और माड़ पिला करके खिलाड़ियों से कहा जाता है पदक लाओ, तो कहां से पदक आएगा, कहां से बिहार बढ़ेगा। खेलता बिहार, दौड़ता बिहार, बढ़ता बिहार, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो है बीमार बिहार। खिलाड़ियों के साथ खेल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलाड़ियों का भविष्य अंधकारमय है। शिवनाथ सिंह ओलंपियन बिहार के, सी प्रसाद इंडिया कैप्टन नहीं एशियन फुटबॉल टीम के कैप्टन, वैसे हस्तियों के नाम पर एक स्टेडियम का नाम तक नहीं सरकार रखती है। लोग भूल रहे हैं आने वाली पीढ़ी कि पदक लाओ नौकरी पाओ, क्या दुर्दशा कर दिया। 6 वर्षों से खिलाड़ी दर दर का ठोकर खा रहे हैं, कह रहे स्टेडियम बना रहे हैं राजगीर में, मोइनुल हक स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रो रहा है, बदहाली का शिकार है। अगर सरकार का ध्यान नहीं इस पर खिलाड़ियों पर पड़ा तो आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बिहार में खिलाड़ियों पर कितना ध्यान दिया जाता है। मोदी जी ने बड़े फख्र से ये स्लोगन दिया था कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिहार के युवाओं ने कल जो है खेल दिवस के मौके पर बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश सरकार बिहार के खिलाड़ियों के लिए क्या कर रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया मोदी जी ने फख्र से कहा था, लेकिन कितना है? बहुत अच्छी बात कही है मोदी जी ने, खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये तो हम लोग कहते हैं खिलाड़ी होने के नाते। हम बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है, तो खेलेगा बिहार बढ़ेगा बिहार, खेलता बिहार दौड़ता बिहार बढ़ता बिहार, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो है बीमार बिहार। खिलाड़ियों के साथ खेल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलाड़ियों का भविष्य अंधकारमय है, तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि बिहार के खिलाड़ी माड़ पी रहे हैं और अधिकारी दूध पी रहे हैं, और माड़ पिला करके खिलाड़ियों से कहा जाता है पदक लाओ, तो कहां से पदक आएगा, कहां से बिहार बढ़ेगा। ये जिस तरह से खेल मैदान की संख्या कम हो रही है बिहारों में, अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, तो ना खिलाड़ियों को खेलने के लिए मैदान मिल रहा, ना खिलाड़ियों को कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है, ना सरकार नौकरी दे पा रही है, 6 वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया बंद है। तो ये खेल के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है, इसी के खिलाफ खेल दिवस के दिन कल खिलाड़ी सड़कों पर आएंगे, अपना ध्यान आकर्षित कराएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। हम बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बिहार के खिलाड़ी इसी के बैनर तले आएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ध्यान आकर्षित कराएंगे कि खिलाड़ियों की दुर्दशा देखिए बिहार की क्या है। शिवनाथ सिंह ओलंपियन बिहार के, सी प्रसाद इंडिया कैप्टन नहीं एशियन फुटबॉल टीम के कैप्टन, वैसे हस्तियों के नाम पर एक स्टेडियम का नाम तक नहीं सरकार रखती है। लोग भूल रहे हैं आने वाली पीढ़ी, आखिर खिलाड़ी करे तो करे क्या, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, खिलाड़ी परेशान है, इसलिए लगातार खिलाड़ी आंदोलन करते रहे हैं। कल भी सांकेतिक रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए, हम कोई सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये खेल भावना है, हम सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का सपना था कि पदक लाओ नौकरी पाओ, क्या दुर्दशा कर दिया, 6 वर्षों से खिलाड़ी दर दर का ठोकर खा रहे हैं। आप ओलंपिक में पदक जीतने वालों को ट्वीट कर बधाई देते हैं, और बिहार में जो लड़के हमारे राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं वो ठोकर खा रहे हैं दर दर का, कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर हो क्या रहा है, ना जिला खेल पदाधिकारी है, ना कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है। आप कह रहे खेल विश्वविद्यालय, तो पटना में 18 वर्षों से फिजिकल कॉलेज राजेंद्र नगर में बंद है, अब विश्वविद्यालय क्या चलाइएगा, कौन चलाएगा विश्वविद्यालय। कह रहे स्टेडियम बना रहे हैं राजगीर में, मोइनुल हक स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रो रहा है, बदहाली का शिकार है, तो इससे काम नहीं चलेगा। मृत्युंजय जी, राजनीति में खेल तो हम समझते हैं, लेकिन खेल में राजनीति कब तक चलेगी? खेल में कोई राजनीति नहीं, खेल भावना के साथ। आपको पता नहीं होगा हमारी USP रही है, हम खेल और खिलाड़ियों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ते रहे। ये ठीक है कि राष्ट्रीय जनता दल के हम प्रवक्ता है, लेकिन सबको पता है, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी, कि हम कोई सरकार रही हो
जिस समय हमारी सरकार थी 18 महीना के लिए, उस समय भी हम सरकार अनशन पर बैठे थे। तो इसलिए हम खेल और खिलाड़ियों के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाने के लिए कल सड़कों पर खिलाड़ी उतरेंगे। अगर सरकार का ध्यान नहीं इस पर खिलाड़ियों पर पड़ा तो आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, और इन्होंने कहा है कि अगर बिहार सरकार की नज़र खिलाड़ियों पर नहीं पड़ी तो वो आमरण अनशन में बैठेंगे। कल जो है बिहार के खिलाड़ियों द्वारा एक बड़े आंदोलन की तैयारी की गई है। कल जो है बिहार के खिलाड़ी जो है तमाम बिहार के खिलाड़ी जो है वो बिहार की सड़कों पर उतरेंगे और हुंकार भरेंगे।